ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बीमा संबंधित योजना है, मैं इस वक्त चाहूँगा कि कभी इसका लाभ न लेना पड़े, लेकिन चूंकि व्यवस्था है और कठिनाइयाँ आती हैं और कठिनाइयाँ आने पर यदि किसी प्रकार का लाभ लाभार्थी को नहीं मिलता है तो उसका परिवार बहुत ही पीड़ित और दुखी महसूस करता है। इनके थोड़ा सा आपने अपना 436 रुपये वाला बीमा करा रखा था, उनकी किन्हीं कारणों से आकस्मिक मृत्यु हुई, अगर ये 436 रुपये ना जमा करते तो आज इनको 2 लाख रुपए का ये बीमा ना मिलता। यद्यपि ये कोई ताली बजाने वाली बात नहीं, लेकिन इस प्रकार की योजनाओं से जो हम एक सोशल सिस्टम में ऐसी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी ने की है कि कभी किसी दुर्घटना में या कठिनाई के समय हम कोई लाभ प्रदान कर सके, उसी क्रम में इनको ये लाभ प्रदान किया जा रहा है। सरकार आपके साथ है, मैं जिलाधिकारी आपको आश्वस्त करता हूँ कि अन्य भी सभी योजनाओं से आपको लाभान्वित किया जाएगा। 2 लाख रुपए का इनको बीमे का निगम एवं बहुमति और इसके प्रधानमंत्री जी का गरीब लोगों के लिए सोशल सेक्टर में सुरक्षा प्रदान करने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी सुरक्षा बीमा योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी सुरक्षा बीमा योजना, इसमें मात्र सभी लोग ध्यान दे रहे हैं, जितने लोग बैठे हैं, मेरा भी खाता है, सभी लोगों का खाता है, सभी लोग 20 रुपए सालाना प्रीमियम देकर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक बीमा योजना में लाभान्वित हो सकते हैं। इसमें काम कर रहा था और हमारी वीडियो में प्रगति सर और हमारे डीएस साहब और हमारी आशाएं आंगनवाड़ी बहन जी ने पूरा सहयोग दिया, जिसके चलते ही हम ये इतना बड़ा लक्ष्य कंप्लीट कर पाए। थैंक यू। आज ये आतंकी स्थान है, आर एफ और सी आई एफ का फंड मिलाना है, तो 3 समूह जो मिले हैं, इसलिए पहले सबसे पहले मैंने उनको एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद मेरे पास काफ़ी सारी क्रियाएँ आनी शुरू हो गई। उस टाइम पर 3 समूह थे, अब यहाँ पर 25 समूह कार्यरत हैं और उन सभी लोगों को मैंने सी आई एफ और आर एफ का फंड दिया दिया है। काफ़ी सारी महिलाएँ अपना संकल्प रोजगार कर रही हैं, मैं संकल्प रोजगार करती हूँ, मेरी भी एक काम के राजपुर में कपड़े की शॉप है और मैं के सहयोग से मैं अब यहाँ पर 22 साल में महिला संभाले रही हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ